वैसे आप ऐसी कॉलेज लाइफ हो जहां सिर्फ मजे ही मजे हो, मतलब इसकी माँ का मजे ही मजे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, चिल करो, गांजा फूको, दारू पियो और लौंडिया पटाओ, टोरा जमाओ, मतलब पढ़ाई के अलावा जितने भी काम हो सकते हैं वो सब करो, लेकिन पढ़ाई नहीं। और हॉस्टल की सुविधा, भाई हॉस्टल की सुविधा तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ी दी गई है, वहां पर आप दोस्तों के साथ चिल आउट करो, सेक्स करो, अरे जो मन करे वो करो, बस पढ़ाई मत करो। और कॉलेज, कॉलेज भाई साहब पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ी बने हैं, या तो सिर्फ फ्री फोकट की डिग्रियां बांटने के लिए बने हैं। और डिग्री भी क्यों आखिर बांटेगा मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी जान पेट की है भाई साहब, रिपोर्ट डेटा ये सब ऊपर भी दिखाने पड़ते हैं कि क्या है तुम्हारा सक्सेस रेशियो, मतलब कॉलेज का सक्सेस रेशियो, तो होंगे फटके डिग्री तो देनी ही पड़ेगी, बाकी कॉलेज में सब काम होंगे लेकिन पढ़ाई के अलावा, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात ले लो, दंगों की बात ले लो, गैंग्स वॉर की बात ले लो, सीनियर जूनियर में जितना भी बंगा हो सकता है, चेल आउट हो सकता है, स्मार्ट बन के जाओ, टोरा जमाओ, लौंडिया पटाओ, सब कुछ। भाई बिजॉय नाम्बियर की दंगे मूवी आ चुकी है जो ये सब कुछ अपने इस कॉलेज लाइफ में दिखा रहे हैं। भाई साहब एज यूजुअल जो कॉलेज लाइफ होती है ना, वही इस मूवी में आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये मूवी कितनी दमदार होने वाली है, अभी रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली। बाकी इस मूवी से एक अच्छी चीज आपको ये मिल जाएगी कि आपको जो कॉलेज लाइफ है ना, जो आप दोबारा से जीना चाहते हो, भाई इसके जरिए एक बार के लिए वो मंजर आप फील कर लोगे, वो भी थोड़ा थोड़ा। तो रिव्यू करेंगे, उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अब कॉलेज में पॉलिटिकल एंगल जबरदस्त देखने को मिलेगा, और इसी बीच दो गैंग में वॉर जबरदस्त छिड़ जाती है, एक है सीनियर्स की, एक है जूनियर्स की। सीनियर्स हैं हर्षवर्धन रानी के मेन लीड रोल में, जिन्हें जेवियर उर्फ जी भी बोला जाता है, और सपोर्टिंग में इनके साथ मिलेंगे आपको गायत्री, आरजे कृष्णा, और भाई साहब आरजे कृष्णा ने फन का जो तड़का दिया है भाई दमदार है। मतलब एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा क्रिंज बॉय होता है ना, बिल्कुल आरजे कृष्णा जैसा, जो बिल्कुल पतला टिड्डा हो, लेकिन भाई उल्टे कामों में ये सबसे नंबर वन पर जाता है, और वही आरजे कृष्णा ने रोल निभाया है। हर्षवर्धन राणे ने जो अल्फा मेल का कैरेक्टर यहाँ दिखाया है, भाई कॉलेज की लड़कियां फैन है इसके लिए। देन उसके बाद सेकंड में जो जूनियर्स का ग्रुप है, वहां पर एहान भट्ट एज लीडर देखने को मिलेंगे, साथ में इनके न्यू फ्रेशर्स, और क्या दमदार इन दोनों के बीच में राइवेलरी आपको देखने को मिलेगी, मतलब कट्टर दुश्मनी और कांटे की टक्कर वाला हिसाब किताब। कहीं सुना है, नहीं सुना है तो यहां पर आप फील भी करोगे, देख भी लोगे, और ये होता है मंजर। दूसरा, कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स दबा के चल रही है, और भाई साहब यही चलती है आजकल की जो कॉलेज लाइफ है, वहां पढ़ाई लिखाई कम चलती है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है, और ये एज यूजुअल जो हमारे सोसाइटी में है वही जबरदस्त तरीके से दिखाया, जो बिल्कुल कनेक्ट करके गया है। तो लीडर बनने की जद्दोजहद में ये सारा पंगा देखने को मिलेगा, जहां पर ये दोनों गैंग वॉर भी देखने को मिलेंगे, और भी ढेर सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी, मतलब हर तरीके का लफड़ा देखने को मिल जाएगा एक बार के लिए। देखो मूवी में कहानी ढूंढोगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि मूवी रियलिस्टिक लाइफ पर बेस है, मतलब रियलिस्टिक जो कॉलेज लाइफ होती है बच्चों की, वही दिखाया गया है। मतलब फुल कनेक्ट करोगे, भाई मैं तो फुल कनेक्ट करके गया हूं, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल से पढ़ा हुआ हूं, और हॉस्टल्स में हम क्या क्या बकैतियां करते थे वो सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, और जबरदस्त कनेक्ट करके गया है। तो मेरे एंगल से तो भाई जबरदस्त थी मूवी, बाकी कॉलेज लाइफ में आपने कैसी लाइफ जी होगी वो चीज भी अच्छे से रिकॉल यहाँ पर हो जाएगी। कहानी ऐसा कोई ड्रिवन नहीं है, स्टोरी ड्रिवन मूवी नहीं है, लेकिन सिनेमाटोग्राफी एक्शन के लेवल पर जो जबरदस्त काम किया है बिजॉय नाम्बियर यानी डायरेक्टर साहब ने, भाई अगेन प्रूफ कि भाई ये क्यों वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर है ऑफ इंडियन सिनेमा। दूसरा मैं कहूंगा क्लाइमेक्स जिस हिसाब का दिखाया है, मतलब वन टेक शॉट और लंबा वाला क्लाइमेक्स, जहां पर सिर्फ फाइट चल रही है, लात घूंसे थप्पड़ के साथ साथ भाई गोली चलाने तक की नौबत आ गई है। वो होते हैं ना ऐसे कुछ एक तबके जो बाहर से आते हैं और अंदर कॉलेज के अंदर आके ऐसी अशांति को भंग करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा भी तबका होता है कॉलेज के अंदर जो इन सारी चीज़ों को रोकथाम करने की भी कोशिश करता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा सिवाय पढ़ाई के, पढ़ाई तो कहीं नहीं देखने को मिली, लेकिन मस्त थी मूवी, जबरदस्त थी। शिकायत में सिर्फ यही है कि भाई साहब इमोशनली ये उतना कनेक्ट नहीं करके गए, मजा आया और बस यही थी मूवी। बाकी बहुत है चॉइस, वन टाइम वॉचेबल है, नहीं देखी है तो जाके जरूर देखो अगर आपके पास कुछ और नहीं है तब। और बाकी यहां तक अगर आप पहुंच ही गए हो तो भाई साहब वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही रिव्यू करते रहेंगे। बाय।